नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में हर इंसान पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कोई इंसान नौकरी कर रहा है तो कोई बिजनेस, पर इन दोनों ही कामों को करके आज हम जो भी पैसा कमा रहे हैं उससे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, इच्छाएं नहीं। और इंसान की ज़रूरत और इच्छाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंसान की ज़रूरत है पेट भर खाना, कपड़ा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस भर देना, या किराए के घर में रहते हों तो घर का किराया भर देना। और कुछ लोग तो ये भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पर इंसान की इच्छाएं कुछ अलग प्रकार की होती हैं। शानदार लाइफस्टाइल, बड़ी सी कार, बड़ा सा शानदार घर, पर ये इच्छाएं हम चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहे, आखिर क्यों? अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो वजह है हमारा काम, जो कि हमें हमारी ज़रूरत तक तो ले जा सकता है पर हमारी इच्छाओं तक नहीं। या यूँ कहूँ कि जो रास्ता हमने पकड़ लिया है वो हमें हमारी मंजिल तक कभी नहीं ले जा पाएगा। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर, जो 10 साल के थे तो खाने को रोटी भी नहीं थी, पर 30 साल तक की उम्र आते आते मिलियनियर बन चुके थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इन दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब इंसान ढूंढ ले और उन जवाबों को अमल में ले आए तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सवाल, जो हम कर रहे हैं अगर हम वही करते रहे तो क्या हमें वह पा सकते हैं जो हमें पाना है? जवाब, जी नहीं। जो हम कर रहे हैं अगर हम वही करते रहे तो हमें वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता है। सवाल नंबर 2, तो क्या किया जाए? जवाब, अगर हमें वो पाना है जो हमें आज तक नहीं मिला तो हमें वो करना होगा जो हमने आज तक नहीं किया। उनका कहने का मतलब है एक रास्ता पकड़ें जो आपको आपकी सही मंजिल तक पहुंचा सके। अब आप सोच रहे होंगे क्या किया जाए। वैसे तो हजारों अपॉर्चुनिटी है बाजार में जिसको अपनाकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, पर कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें रिस्क काफ़ी है और कुछ ऐसी हैं जिसमें लायबिलिटी काफ़ी है। पर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसे हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपनाकर बगैर रिस्क और बगैर लायबिलिटी के अपने सपनों को साकार कर सकता है, और वो है नेटवर्क सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसको अपनाकर दुनिया की कई छोटी कंपनियां बहुत बड़ी बन चुकी हैं, फिर वो चाहे मैकडोनल्ड या डोमिनोज हो, जोमैटो स्विगी या अमेजोन हो, हिंदुस्तान लीवर या पतंजलि हो, या फिर टाटा या रिलायंस हो, ये सभी आज नेटवर्क सिस्टम पे काम कर रही हैं। यह सिस्टम कैसे काम करता है आइए समझते हैं। मान लेते हैं पतंजलि को कोई प्रोडक्ट बाजार में लाना है तो वो कैसे लाएगी? पहले वो CEO अपॉइंट करेगी, फिर जनरल मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, फिर सेल्स टीम, और वो सभी फ्रेंचाइजी तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगी या नई फ्रेंचाइजी ओपन कराएंगी। मान लेते हैं पतंजलि के नीचे 10 लाख लोग काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति करीबन 8 घंटे काम करता है, यानी कि एक दिन में पतंजलि के लिए करीबन 80 लाख घंटे काम होता है। एक घंटे का अगर 10 रुपए का भी मुनाफा पतंजलि को होता है तो इस हिसाब से प्रतिदिन की कमाई 8 करोड़ रुपए निकल कर आती है, यानी महीने की करीबन 240 करोड़ रुपए। देखा आपने, जब पतंजलि इस सिस्टम को अपनाकर महीने का 240 करोड़ और प्रतिदिन का 8 करोड़ कमा सकती है, तो क्या आप और हम इस सिस्टम को अपनाकर 8 करोड़ ना भी सही 8,000 प्रतिदिन यानी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना तो कमा ही सकते हैं? अब यह कैसे संभव है आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, इसको संभव बनाने के लिए आपको जुड़ना होगा भारत की उभरती हुई कंपनी वेल्सर के साथ। वेल्सर आपको मौका देती है अपना नेटवर्क बनाने का, जिससे आप भी अपने नीचे हजारों लोगों की टीम बनाकर लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। आप नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, आपको पैसा कैसे आएगा, ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं वेल्सर के बारे में। वेल्सर का पूरा नाम वेल्सर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड है। वेल्सर अगस्त 2019 में भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई। वेल्सर हर्बल प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में डील करती है। वेल्सर 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती है। प्रोडक्ट की जानकारी आप हमारे साथी से ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। और वेल्सर के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं और आप कैसे अपना नेटवर्क बना सकते हैं आइए इसको जानते हैं। वेल्सर के सभी प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट 2,500 तक के खरीद कर आप वेल्सर फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, आप वेल्सर की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं
और ऐसा करते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना नेटवर्क बनाने के लिए। अब आपको करना क्या है, आपकी जान पहचान कई लोगों से होगी, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, नियर एंड डियर। हमारी दो प्रकार की प्रेजेंटेशन होती हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और बिजनेस प्रेजेंटेशन। अभी जो आप देख रहे हैं ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है। इन दोनों प्रेजेंटेशन में से कोई भी प्रेजेंटेशन आपको अपने लोगों के साथ शेयर करनी है। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। तीन प्रकार के लोग हैं, ए, बी, सी। ए हो गई वेल्सर, बी हो गए आप, सी हो गए आपकी जान पहचान वाले। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपनी जान पहचान के लोगों को एक एक करके वेल्सर फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना है, और ऐसा करते ही आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है। अब जब आप लोगों के साथ बिजनेस शेयर करेंगे तो आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे, पहले वो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे, और दूसरे वो जो आप ही की तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका हाथ थाम लेंगे, यानी कि फ्रेंचाइजी ले लेंगे। पहले हम पहले वालों की बात करते हैं। जब कोई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है तो आपके द्वारा बिकने वाले हर प्रोडक्ट पर आपको 15-20% तक का प्रॉफिट होगा। अब मान लेते हैं पूरे महीने में आपके जरिए 1,00,000 का प्रोडक्ट बिका, तो आपका प्रॉफिट हुआ 15,000 से 20,000। ये था आपका पहला मुनाफा। आइए दूसरे मुनाफे को समझते हैं। अब आप हर महीने 2,500 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं और 5 महीने तक लगातार लेते हैं, तो आप बेस्ट फ्रेंचाइजर की लिस्ट में आ जाते हैं और आपको 6वें महीने 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये प्रॉफिट उनसे हुआ जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया। अब बात करते हैं उनकी जो हमारी तरह आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। जब ये लोग हमारी तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं तब बनता है हमारा नेटवर्क। जी हाँ, वही नेटवर्क जिससे हम कार, घर और अपनी फैमिली को ढेर सारी खुशियां दे सकते हैं। अब आप लोगों के साथ बिजनेस शेयर करना शुरू करें इससे पहले थोड़ा कैलकुलेशन समझ लीजिए। आप जब भी कोई प्रोडक्ट वेल्सर से खरीदते हैं तो उस पर आपको बिजनेस वॉल्यूम बोले तो कुछ पॉइंट मिलते हैं, और आने वाले प्रॉफिट का हिसाब इन्हीं पॉइंट यानी बिजनेस वॉल्यूम के जरिए होता है। प्रॉफिट अलग अलग लेवल पे अलग अलग परसेंटेज में आएगा, पर मैं आपको मोटे तौर पर समझाने जा रहा हूँ कि आपको कितने बिजनेस वॉल्यूम पर कितना पे आउट प्रॉफिट आएगा। अब आपने 2,500 का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको मिले 1,650 बिजनेस वॉल्यूम। ऐसे ही आपकी टीम 2,500 की फ्रेंचाइजी लेती है तो कैसे आप पे आउट लेंगे, आइए समझते हैं। शुरुआत में आपको फ्रेंचाइजी बहुत सारे लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ 4 से 6 लोगों को ही दिलानी है, और जब हमारा नेटवर्क बनता है तो केवल 5 महीने में हमारी स्थिति क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। आप पहले महीने काम करते हैं इस प्रकार, 1, 2, 3, 4 आपकी टीम हुई 4 लोगों की, हर किसी ने कम से कम 2,500 का प्रोडक्ट लिया, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 2,500 के प्रोडक्ट पर बिजनेस वॉल्यूम 1,650 मिलेंगे, तो 4×1,650 बीवी, इस प्रकार पूरे महीने में 6,600 बिजनेस वॉल्यूम आपके हुए। इस तरह आपके पहले महीने का पे आउट करीबन 190 रुपये बनता है। अब दूसरा महीना आया और आपकी टीम के सदस्यों ने भी ज़्यादा काम ना करते हुए सिर्फ 4-4 लोगों को ही फ्रेंचाइजी दिलवाई, तो टीम हुई 16 लोगों की, सभी ने 1,650 का प्रोडक्ट लिया, बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया, यानी दूसरे महीने 26,400 बिजनेस वॉल्यूम हुए। इस स्थिति में आपका पेआउट बना 800 रुपये का। तीसरा महीना आया, आपकी धीमी रफ्तार में टीम आगे बढ़ी, तो तीसरे महीने टीम बनी 64 लोगों की गुणा 1,650, 1,05,600 का बिजनेस हुआ, और आपके तीसरे महीने का पेआउट करीबन 5,100 रुपये का बनता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। अब 4 महीने में बिजनेस आगे बढ़ा तो टीम बनी 256 लोगों की गुणा 1,650 बीवी बराबर 4,22,400 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हुआ। आपके चौथे महीने का पेआउट बना करीबन 24,500 रुपये का। 5वें महीने टीम बनी 1,024 लोगों की, 1,650 बिजनेस वॉल्यूम सभी ने किया, 1,689,600 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हुआ। आपका पेआउट 5वें महीने का बनता है 85,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क सिस्टम की पावर की वजह से हो पा रहा है। अब आपने आगे बढ़ाया सिस्टम और 6वें महीने तक आप पहुँच चुके हैं। आंकड़ा 4,096 का होता है, 1,650 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, 67,58,400 बिजनेस वॉल्यूम का आपका बिजनेस बना, और टोटल जो आपका 6वें महीने का चेक निकल कर बाहर आता है वो होता है 3,37,900 रुपये। जी हाँ दोस्तों,
ये सब संभव हो पा रहा है नेटवर्क सिस्टम की वजह से। दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति इसकी पावर को समझ चुका है। आज बारी हमारी है। वेल्सर से जुड़ने के लिए एक फॉर्म भरना है, एक फोटो देनी है, पैन नंबर एवं बैंक का खाता देना है ताकि आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की जा सके। आपके सफ़र की शुरुआत शुरू हो जाएगी। आपने पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।